मैं साक्षी, एमएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। सपा बसपा भी मांगे माफी आजम खान के अंडर वाले बयान पर अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सपा नेता आजम खान के अंडर वाले बयान पर सपा बसपा को भी देश की करोड़ों महिलाओं से माफी मांगने को कहा है। वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के सम्मान को राजनीति से अलग रखने की अपील की। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने भी इसे अस्वीकार्य बताते हुए आजम पर कार्रवाई की मांग की। खाकी अंडरवियर वाले बयान पर महिला आयोग ने आजम खान को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ खाकी अंडरवियर वाले बयान पर सपा नेता आजम खान को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग के अनुसार आजम खान पहले भी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते रहे। आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। आपको लगता है डर कर रामपुर छोड़ दूंगी, पर ऐसा नहीं होगा। अंडरवियर वाले बयान पर जयाप्रदा। सपा नेता आजम खान द्वारा कथित तौर पर जयाप्रदा पर की गई खाकी अंडरवियर वाली टिप्पणी पर जया ने कहा है, क्या मैं मर जाऊँ तब आप संतुष्ट होंगे। उन्होंने आगे कहा, आप सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगी और रामपुर छोड़ दूंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बतौर जया आजम की चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।